दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियों में शुमार सैमसंग अब उत्तर प्रदेश में मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादों का निर्माण करेगी। सैमसंग की यह यूनिट इससे पहले चीन में स्थापित थी। नोएडा में स्थापित होने जा रहे सैमसंग के इस नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4,825 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यही नहीं, भारत OLED तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। भारी भरकम निवेश और औद्योगिक विकास को देखते हुए योगी सरकार ने सैमसंग के इस प्रोजेक्ट को विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। 11 दिसंबर को प्रदेश मंत्री परिषद ने इस संबंध में निर्णय लिया। मंत्री परिषद के नियमानुसार मिसेस सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत पूंजी उत्पादन, भूमि हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की अनुमन्यता होगी। चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश आ रही इस परियोजना को पूंजी उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्थिर पूंजी निवेश में पुरानी मशीनों की लागत को भी अनुमन्य किया जाएगा। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार पर 5 वर्षों की अवधि में 250 करोड़ रुपए की वित्तीय उपाशय अनुमानित है। इस इकाई में करीब 1,500 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। कंपनी को भारत सरकार की योजना स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स के अंतर्गत भी लगभग 460 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। विश्व में टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट, घड़ियों जैसी चीजों में उपयोग होने वाले कुल डिस्प्ले उत्पाद का 70% से अधिक सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया, वियतनाम और चीन में निर्मित होता है। डिस्प्ले इकाइयों का प्रस्तावित निवेश मूल उत्पाद का एक ज्यादा लागत वाला हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, जो बीच की सप्लाई चेन की कड़ी को पूर्ण करने के लिए और भविष्य में प्रदेश में डिस्प्ले से संबंधित फैब इकाई की स्थापना करने के लिए ये इकाई एक मील का पत्थर साबित होगी। बीते वित्तीय वर्ष में $27 बिलियन के निर्यात के साथ मिसर सैमसंग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निर्यातक है। सैमसंग ग्रुप ने अगले 5 सालों में कुल $50 बिलियन का निर्यात लक्ष्य रखा है। भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है जिससे चीन को पछाड़ा जा सके, और जिस तरह से कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं उससे आने वाले दिनों में भारत को और भी ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही क्षेत्र में रोजगार भी बंपर तरह से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।